फ्रीडम फाइटर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पर आकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। फ्रीडम फाइटर संगठन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन द्वारा बताया कि संगठन के महानगर अध्यक्ष छात्र इकाई अनवर लगभग 3 दिन पूर्व महानगर के क्षेत्र साड़ी थाने के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिससे उनकी गर्दन पर गहरा निशान बन गया, जिसको लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस जनपद में अवैध चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, महानगर के सभी थानों को सूचित किया जाए कि जहां भी चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मनोज प्रजापति मेरा नाम है। देखिए, हम सभी फ्रीडम फाइटर संगठन के लोग हैं और अभी पिछले 2 दिन पहले ही हमारे महानगर अध्यक्ष छात्र इकाई की, ये आप देख सकते हैं, गर्दन कट चुकी है। चाइनीज मांझे से ही अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और जनपद मुरादाबाद से कई शिकायतें हम लोगों के पास ऐसी आ चुकी हैं कि चाइनीज मांझा यहाँ जो है उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है और बिक रहा है। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर बिक नहीं रहा होता तो वो उड़ता कहाँ से। तो इसी संबंध में आज हम माननीय जिलाधिकारी मुरादाबाद जनपद में आए हैं और यहाँ अपना ज्ञापन देंगे और इनसे प्रार्थना करेंगे कि सभी थानों को सूचित कर दिया जाए कि किसी भी तरीके से चाइनीज मांझा ना बिक सके, जिससे एक जनहित में कार्य हो सके और बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और ये भी हम अपील करेंगे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कि अपने जो भी समाचार पत्र जनपद मुरादाबाद के हैं उन समाचार पत्रों में एक पब्लिश करा दिया जाए कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचते हुए पाया जाएगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। जनपद मुरादाबाद बिक रहा है? जी, बिक रहा है तभी उड़ रहा है, हम तो ऐसा मान रहे हैं। और हालांकि हमारे टीम जो है काम कर रही है इस पर कि जहां भी अगर बिकेगा तो प्रशासन को हम सूचना देने का कार्य भी करेंगे।